दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा की जेलों में बंद कैदियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कोरोना के चलते जेल में बंद कैदियों को उनके परिवार वालों से मिलने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते करीब 1.5 साल से यूपी की जेलों में बंद कैदी अपने परिवार वालों से नहीं मिल सके हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी हैं, जिसके तहत अब जेलों में बंद कैदी अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे। यूपी सरकार के इस आदेश के बाद गाजियाबाद की डासना जेल प्रशासन ने भी जेल में बंद कैदियों को उनके परिजनों से मिलने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद कई बंदियों के परिजन मुलाकात के लिए डासना जेल पहुंचे। सलमान, किससे मिलने के लिए आए हो? पापा से मिलने आए। तो क्या आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपने कराई अपनी? जी, करा रखी है। तो क्या जो कैसे पता चला आपको कि आज मुलाकात होगी, खुली मुलाकात आपने घर वालों से कर सकते हैं, तो इस किस तरीके से आपने आरटीपीसीआर रिपोर्ट? सर, मुझे इन्फॉर्मेशन हुई कि गवर्नमेंट की आरटीपीसीआर सरकारी अस्पताल से करा लो, उस रिपोर्ट के आधार पर आप फेस टू फेस मिल सकते हैं। तो कैसा लगा कि भाई 1.5 साल के अंतराल के बाद में मुलाकात होगी परिवारों से? सर, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि प्रक्रिया दोबारा चालू हो गई है। नए आदेशों के मुताबिक डासना जेल में बंद कैदी हफ्ते में एक बार 2 परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। जेल में बंद कैदियों से मुलाकात के लिए परिजनों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। आरटीपीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन और फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। बता दें कि साल 2020 के मार्च में जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी, तो उसके बाद से ही डासना जेल में बंद कैदियों से परिजनों की मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अब करीब 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने बंदियों से परिजनों की मुलाकात को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत कोविड नियमों का पालन करते हुए बंदी अपने परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।